आज से बहुत साल पहले एक ओशन हुआ करता था। उस ओशन में एक शार्क थी और बहुत सारी छोटी 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 फिशेस थी। जो शार्क थी वो बहुत तेज तर्रार थी। इट वॉज रियली गुड एट वर्क। और शार्क बहुत तेजी से मछलियों को खाती थी, आरामदायक जिंदगी जीती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि बाकी की मछलियों को पता चलने लगा कि एक ऐसा ओशन है जहां पे जाके हम लोगों का पेट भी एकदम भर जाएगा। दूसरी शार्क आई, दोनों शार्क्स मिलके काम करने लगे, बहुत सारी फिशेस थी उनको खाने लगे। धीरे धीरे तीसरी शार्क आती है, चौथी शार्क आती है, पांचवी शार्क आती है, छठी शार्क आती है, 10, 100, 1000, लाखों शार्क उसी एक ओशन में आ जाती हैं। और जब इतनी सारी शार्क्स उसी एक ओशन में आ जाती हैं तो जो वहां का पानी है वो नीला होने की जगह लाल हो जाता है। इट टर्न्स इनटू अ रेड ओशन। डू यू अंडरस्टैंड दैट द कोर्स दैट यू आर परस्यूइंग टुडे, द बीटेक, द एमबीए, द एमसीए, ऑल दीज कोर्सेस आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द रेड ओशन। एक टाइम था जब ये ब्लू ओशन था, जब बहुत कम लोग ये पढ़ाई करते थे। कम लोग पढ़ाई करते थे, काफी सारी नौकरियां थी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। समय बदलता चला गया, कॉलेजेस बढ़ते चले गए, मशरूमिंग होता चला गया कॉलेजेस का। इतने सारे कॉलेजेस आ गए कि कॉलेज से निकलने वाले बच्चे तो बढ़ते चले गए, लेकिन जो नौकरियां थी वो अपने आप ही कम थी। तो ये जो ओशन था ये रेड ओशन बन गया, और आज आप उसी रेड ओशन का हिस्सा हो। यही तो कारण है कि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती। 10-15 हज़ार रुपये में आप नौकरी करने को तैयार हो, कई बच्चे तो फ्री में नौकरी करने को तैयार है कि कम से कम घर वालों के ताने तो ना सुनने को मिले। लेकिन जब आपके सामने एक रास्ता आता है विच कैन टेक यू टू द ब्लू ओशन, यू शुड टेक इट हैंड्स ऑन। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ द वर्क दैट आई डू, द वे आई एड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, I am a part of the blue ocean because I add value in people's life. Sitting in my own office, I don't need to go anywhere. I can empower the lives of millions of people sitting at one place. There are very few people who train just like I do. So it's a blue ocean. I have created a blue ocean for me. You should also become a part of this blue ocean by learning more. Soch ke batao comments mein ki kya aapke liye blue ocean hai. And I promise, jitne ispe comments aayenge, main aapko bataunga ki ye blue ocean hai ya nahi hai. Time nikal ke kaise bhi, I'll tell you. बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड बॉस, जब तक रेड ओशन में रहोगे आगे नहीं बढ़ोगे। ब्लू ओशन में कैसे जाया जाता है? लर्निंग को बढ़ा के, वो ज्ञान लेके जो कि आपके पास आज नहीं है, वो नॉलेज लेके जो कि आपके पास आज नहीं है, तब आप रेड ओशन से ब्लू ओशन में जाते हो। देख रहे हो सब ब्लू है मेरे आसपास? दैट इज हाउ यू गेट इन टू अ ब्लू ओशन। आई एम इन अ ब्लू ओशन। आई डोंट वरी अबाउट द कॉम्पिटिशन। इवन इफ द कॉम्पिटिशन कम्स, आई नो दैट द ब्लू ओशन दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट 5 years, देर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन टू अ रेड ओशन। एंड आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू मेक अ ट्रांजिशन वेन दिस गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ रेड ओशन। पर आप लोग एडमेंट हैं। एडमेंट का मतलब समझते हैं, जिद्दी हैं, निकलना नहीं चाहते उस जगह से। जब तक रेड ओशन में रहोगे अटके रहोगे। जब तक कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तब तक ग्रोथ बहुत ज्यादा कम होगी। वो चेंज आपको खुद लेकर आना है। जितनी जल्दी यू विल गेट दैट चेंज इन योर लाइफ, द सूनर यू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द रेड ओशन टू द ब्लू ओशन, लाइफ इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू विद अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और इन माई बायो इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन इंस्टाग्राम और इन माई डिस्क्रिप्शन ऑन यूट्यूब, आई एम गिविंग यू द लिंक टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम। देर इज नो मैंडेटरी थिंग दैट यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, बिकॉज टिल नाउ एट द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वी हैव मोर देन 2700 पीपल हु हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ब्लू ओशन। मे बी जब तक आप देख रहे होंगे शायद 10,000 लोग आ चुके होंगे। धीरे धीरे वो ओशन भी रेड हो जाएगा बॉस। तो आपको देखना है कि आप आज ही वाली अपॉर्चुनिटी अवेल करते हो या जब सब कर रहे होंगे तब करते हो। द फर्स्ट मूवर्स ऑलवेज गेट इनटू द ब्लू ओशन। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।